हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीमियर एसराथोड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। और ये है शारजा का एक्सपो और 2021 का, और ये अपोजिट है नेक्स्टो सुपरमार्केट। और ये है अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे दुबई में एक्सपो है सेम उसी की तरह यहाँ पे एक्सपो सेंटर है जो शारजा में है। देख सकते हो जैसे डेट भी डाल गई है, तो ये अपोजिट है उसका। तो जब भी आएगा विज़िट ज़रूर करिएगा। एक्सपो सेंटर के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे जो भी सामान लेना चाहता है, चीप एंड बेस्ट में भी है। मैंने अंदर भी गया था तो वहाँ पे सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको इजीली भी मिलेगा। बहुत सारे अच्छे भी लगेगा, लेकिन आपको ये जो बाहर का दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये एक्चुअली ना अंदर इतना ईजी, मतलब सब कुछ सामने सामने रखा है, जैसे कि देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसे मैं अभी नेक्स्ट चलते हैं अंदर। मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे कैमरा अलाउ है, तो जहाँ तक अलाउ है मैं वहाँ तक मैं आपको दिखा दूँगा। जहाँ तक उम्मीद है कि मैं पूरा टोटली दिखा दूँ, तो ये है पूरा अंदर जा रहा हूँ। जैसे सिक्योरिटी क्रॉस कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक स्कैन होता है बंदा, जैसे कि किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं कि किसी को कोरोना है या नहीं है, ऑटोमेटिक वो कैमरा से स्कैन हो जाता है वैसे भी। और ये है ऑलरेडी, देखिए सब कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो फिर भी मैंने उनसे परमिशन लेके शूट किया हूँ। और देखिए हर जगह कैमरा हर जगह डिजिटलाइज हो रहा है, तो जाने की कोई इशू नहीं है। जहाँ पे आगे भी एक आउट पास मिलेगा, जो जाने एंट्रेंस करने के लिए, जो अंदर जाने के लिए, जो ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ परचेस कर सकते हैं यहाँ पे। अनलिमिटेड है, कोई ये नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना चाहे परचेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉफ़ी शॉप भी है और चॉकलेट वगैरह सब कुछ, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है एक्सपो के सेंटर के अंदर। और फिलहाल देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब भी जाइएगा तो आप वीज़े पे हैं तो अब बेहतर है कि आप यहाँ पे एक पास मिलेगा, तो आप हर एक चीज़ देखना भी चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप लोग को, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो भी मेंबर्स जाना ही चाहते हैं तो वो फ़िलहाल के लिए आप पास बना लें। और पास या इसके आगे है, जो पास बनाना ही चाह रहे हैं तो इसके आगे है वो चीज़, तो मैं आपको दिखा दूँगा वो। क्योंकि एक्चुअली हर एक चीज़ शूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कोई किसी ना किसी को मेंबर को ले ली हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। इस वजह से मैं सबको मेंबर को लेना नहीं चाह रहा, और हर चीज़ दिखाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाऊँगा हर चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आप भी आगे, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर जो आगे है,
जी इसके आगे एंट्रेंस पे मैं दिखा दूंगा आपको कि वहाँ पे आपको पास मिलेगा, जो यहाँ पे आगे है वहाँ पे आपको पास मिलेगा। जो मेंबर्स पूरा टोटली वॉच करना ही चाहते हैं, आगे एंट्रेंस शो कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपको पास मिलेगा। जो भी मेंबर्स जाना चाहते हैं, पूरा विज़िट करना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई सीन है ही नहीं कि ऐसे नहीं जा सकते हैं क्या करके। जो एंट्रेंस जा रहे हैं वहाँ पे आगे है काउंटर, तो वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि विदाउट पास नहीं जा सकते क्या, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो अपना खुद का सेफ्टी के लिए, देखिए ये पास का सेंटर है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं पास, तो पास ले के आप घूम सकते हैं बेझिझक, कोई इशू नहीं है। ये देखिए दो हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी फैमिली के साथ आए तो भी वो भी विज़िट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई ऐसी कोई बात है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। ये है पास काउंटर, तो प्लीज़ आप जब भी विज़िट करिएगा तो बेहतर है कि आप पास ले लें। जो भी आप विज़िट पे आए हैं तो पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी देके आप पास ले लें, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट है तो आप आईडी कॉपी देके आप पास ले लें। पास ये है कि आपका एक ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे घूम सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी वैसे भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि विदाउट पास के आप घूम नहीं सकते, घूम सकते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ये परचेस किए हैं करके। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लिए तो ये नहीं कर सकते, कोई इशू कर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर का सीन फोटोशूट नहीं कर, वीडियो अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अंदर बहुत कुछ है, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर विज़िट करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये है बाहर का, तो प्लीज़ आप जब भी विज़िट करिएगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा सीन आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और अंदर का जो है वो मना कर दिए इन्होंने, क्योंकि अंदर का कोई सेंसिटिव चीज़ होती है, तो इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर रखा है। तो अंदर का जो कैमराज के लिए, तो हाँ सेल्फ़ी ले सकते हैं, लेकिन कितना सेल्फ़ी लेके अपलोड कर सकता है मेंबर, तो इस वजह से, तो मैं वो अंदर का सेंसिटिव है, तो इस वजह से उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो अंदर का मैंने अपलोड नहीं कर पाऊँगा वीडियो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिएगा वीडियो, और जब भी विज़िट करिएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपका जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, हैव ए गुड डे।